Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine and good. Chapter number 14, Current Electricity, Short Question and Answers. So question number 1 is, a water is made up of the atoms having the proton and electron. Does the water flowing through a pipe carry an electric current? Explain. कहता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. तो हमारे पास चार्ज में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना. तो कहता है क्या वाटर मॉलिक्यूल जो एक पाइप से गुजर रहा है, हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा, इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है. तो हमारे पास क्या है, वो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक वाटर का मॉलिक्यूल या वाटर के एटम्स पास कर रहे हों एक पाइप से, तो हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वाटर का जो एटम है वो न्यूट्रल है, उसमें जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं. तो जब हमारे पास किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है तो हम उसे न्यूट्रल एटम कहते हैं. बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इनइक्विवेलेंट आ जाते हैं. जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो तब हम कह देते हैं कि हमारे पास करंट क्या है, पॉजिटिव है. और जब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो तो तब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास नेगेटिव करंट है. क्लियर बच्चों? तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हमारे पास जब वाटर पास कर रहा है किसी जगह से तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा. नाउ द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, अ कार हैज टू हेडलाइट्स व्हेन द फिलामेंट इज वन हेडलाइट. हमारे पास एक कार है जिसके दो हेडलाइट्स हैं और एक के हमारे पास फिलामेंट जल गया है. द अदर हेडलाइट स्टे ऑन, जबकि दूसरा हमारे पास ऑन है. तो कहता है हमने बताना है कि आया वो हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है. तो कहता है हेडलाइट्स हमारे पास जो होती हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं. जब वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हमारे पास अगर एक कंपोनेंट सर्किट का ख़राब भी हो जाता है तो दूसरे अपना वर्क प्रॉपरली करते हैं. वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर एक ख़राब हो गया तो दूसरा भी ऑफ हो जाए. एक ख़राब भी हो गया है, एक हमारे पास एक का हेडलाइट ख़राब भी होगी है गाड़ी की, तो दूसरी हमारे पास वैसी ही चलेगी, क्योंकि हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन में ऐसा होता है कि एक ख़राब हो गया तो दूसरा भी काम नहीं करता. लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि हमारे पास अगर एक ख़राब भी हो जाए तो तब भी दूसरा हमारे पास ठीक ठाक काम करता रहता है. अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास कुरुतुलेन नीड्स 100 ओम रेजिस्टर फॉर अ सर्किट. कि हमारे पास कुरुतुलेन एक बंदी है जिसे 100 ओम्स का सर्किट चाहिए और उसके पास बट शी ओनली हैज बॉक्स 330 ओम्स रेजिस्टेंस. व्हाट विल शी डू, कि उसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 300 ओम्स के रेजिस्टेंस है और उसे क्या चाहिए, उसे 100 ओम चाहिए. तो वो कहता है शी नीड्स टू कनेक्ट द 300 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल व्हिच गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम. कि वो क्या करेगी कि सीरीज पैरेलल में वो कनेक्टर अटैच करेगी तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो पैरेलल में आके उसे 100 ओम का रेजिस्टेंस देंगे. हाउ, अब आप नीचे आ जाए, कैलकुलेशन कैसे हुई है. 1 / R = 1 / R1, फर्स्ट रेजिस्टर, सेकंड रेजिस्टर एंड थर्ड रेजिस्टर. तो हमने क्या करना है, R1, R2 और R3 की वैल्यू पुट करनी है. तो हमारे पास कितनी वैल्यू है, 300 ओम्स. तो हम पुट करेंगे जब वैल्यू, तो हमारे पास होगा 1 / 300 1 / 300 और दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा. अब आप देखें कि आपके पास 111 अपर वैल्यू सारी एक जैसी है ना, तो हम 300 नीचे है तो हम एलसीएम ले लिया. जब हमने एलसीएम ले लिया तो ये होल के नीचे डिवाइड हो गया. नाउ हम देखते हैं कि जब हम 131 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा ना, हमने एडिशन करनी है. 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, 100 ओम्स. सो बाई कनेक्टिंग 3 रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल ईच ऑफ द 100 ओम्स वी विल गॉट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम. कि हमें क्या मिलेगा, 100 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा. अब वो कहता है अ नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल पावर आउटलेट. कि हमने क्या किया है, लाइट बल्ब्स को एक सिंगली एक कनेक्शन दिया हुआ है. विल दे प्रोवाइड एलिमिनेशन व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज आर पैरेलल. हमने ये बताना है कि हमारे पास बल्ब ज़्यादा अच्छे से कब ग्लो करेंगे, जब वो पैरेलल में होंगे या जब वो सीरीज में होंगे. तो कहता है व्हेन द लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल दे विल प्रोवाइड मोर एलिमिनेशन देन द कनेक्टेड इन सीरीज. कि जब हम लाइट बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास मोर एलिमिनेशन देते हैं, वो ज़्यादा चमकते हैं एज़ कम्पेयर टू द सीरीज.
अब हमारे पास कहता है पैरेलल सर्किट में क्या होता है बच्चों कि हमारे पास हर एक एलिमेंट को यूनिफॉर्म पोटेंशियल जाता है, ठीक, यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच, ठीक, वाइल इन सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास पोटेंशियल डिवाइड हो रहा होता है, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा होता है तो हर एक को अलग अलग पोटेंशियल मिलता है, दैट्स व्हाई वी कनेक्ट अ नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स इन अ पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, अपना एलिमिनेशन ज्यादा लेने के लिए लाइट बल्ब्स को पैरेलल में लगाएंगे, दे विल प्रोवाइड मोर एलिमिनेशन, एज अ रिजल्ट वो क्या करेंगे, हमें मोर एलिमिनेशन देंगे, वो ज्यादा चमकेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है व्हाई वी explain why light bulbs almost always burn out as they are just turned on or off, कहता है हमारे पास light bulbs अक्सर जल जाती हैं, burn out जल जाना, जैसे ही हम उनके switch को on करते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो कहता है light bulbs हमारे पास always burn out as they are turned on because the time at that time current is maximum from the filament which decreases after some time of the, कि हमारे पास तब मैक्सिमम करंट पास होता है, ठीक है, जैसे ही हमने लाइट बल्ब को ऑन किया तो हमारे पास फिलामेंट जो कि बल्ब के अंदर टंगस्टन का बना हुआ होता है, सेमीकंडक्टर है, वो क्या होता है, वो कोल्ड होता है, वो हीट उसमें नहीं होती, तब नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, तो उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पास करता है, तो एज अ रिजल्ट वो जल जाता है। एक्सप्लेनेशन में वो बताता है कि जैसे ही हमारे पास करंट पास करता है तो हमारे पास वहाँ फिलामेंट हीट अप हो जाता है, हीट अप होने से हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, लो रेजिस्टेंस आ जाती है, तो फिर हमारे पास उसके हीट अप कॉजेस द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, सॉरी इन जब हीट कॉज होती है ना तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमारे पास करंट कम पास करेगा, जब करंट कम पास करेगा तो हमारे पास बल्ब नहीं जलेगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई इट इज पॉसिबल फॉर बर्ड्स कि ब्रीथ सेफली ऑन अ हाई टेंशन वायर विदाउट बीइंग इलेक्ट्रोलाइटेड, कहता है हमारे पास बर्ड्स जो हैं वो तारों वगैरह पे बैठती हैं लेकिन वो कंडक्टर नहीं बनती, उनके जिस्म से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो बड़ी सेफ होती हैं, क्यों, कहता है कि जब हमारे पास करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, तो हमारे पास अगर चिड़िया बैठी हुई है एक तार पे, अपनी दोनों टांगे तार पे रख के, तो हमारे पास बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि चिड़िया को करंट लगे, क्यों, हमारे पास करंट को फ्लो करने के लिए लो वोल्टेज लो पोटेंशियल की कोई बॉडी है ही नहीं, लेकिन अगर चिड़िया अपना पाँव वहाँ से उठा लेती है या फिर किसी दूसरी तार पे साथ ही रख देती है जो लो पोटेंशियल पे है, तो फिर क्या होता है कि उसकी बॉडी कंडक्टर बन जाती है और वहाँ से करंट पास करता है फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द वर्ल्ड लो पोटेंशियल, और तब क्या हो जाते हैं, चिड़िया की डेथ हो जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि काम कर रहा है किसके साथ, लाइव वायर के साथ, हमारे पास तीन तरह की वायर्स होती है, एक होती है लाइव वायर, एक होती है डेड वायर और एक होती है न्यूट्रल। लाइव वायर हमारे पास पॉजिटिव होती है, डेड वायर नेगेटिव होती है और न्यूट्रल वायर हमारे पास उस पर कोई पोटेंशियल नहीं होता है। तो कहता है कि हमारे पास जो बंदा है इलेक्ट्रीशियन है वो काम कर रहा है लाइव वायर के साथ, तो उसने क्या किया हुआ है कि इंसुलेटेड शूज पहने हुए हैं और दूसरा उसने क्या किया कि अपने हाथ अपनी बैग पे रखे हुए हैं, आपने ये बताना है कि वो ये दोनों काम क्यों कर रहा है। तो हमने कहा कि एक बंदा जो कि एक बिजली के साथ काम कर रहा है तो वो अगर इंसुलेटेड शूज पहन लेता है तो क्या होता है कि उसकी बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम बन जाती है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स कि उसकी बॉडी का किसी और चीज़ के साथ कनेक्शन नहीं रहता, मीन्स दैट ग्राउंड के साथ कनेक्शन नहीं होता, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अर्थिंग होती है ना और ग्राउंडिंग होती है, तो हमारे पास जब वो प्लास्टिक की शूज पहन लेगा तो कोई भी करंट पास नहीं कर सकेगा, सो हमारे पास क्या होगा, वो बॉडी जो इलेक्ट्रिशियन है उसकी बॉडी सिंगल पोटेंशियल पे आ जाएगी। अब दूसरा वो अपने हाथ अपनी बैग पे रखता है तो क्यों रखता है, वो इट इज़ अ सेफ्टी मेजर कि अगर वो अपनी हाथ अपनी बैग पे नहीं रखता तो इट इज़ पॉसिबल कि वो अपनी हाथ किसी दूसरी जगह पे टच कर दे, अगर वो अपना हाथ किसी जगह पे टच कर देगा तो क्या होगा कि हम बॉडी को फ्लो करने के लिए रास्ता मिल जाएगा, करंट को फ्लो करने के लिए सेकंड बॉडी मिल जाएगी, पोटेंशियल बी जिसे हम कहते हैं लो पोटेंशियल, तो बॉडी वहां पे मूव करेगी, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, करंट लगने के चांसेस हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई इट इज डेंजरस टू टच अ हाई लाइट बल्ब व्हेन यू आर इन बाथटब, के हमारे पास क्यों डेंजरस है कि आप बाथिंग टब में हो और आप लाइट बल्ब को टच करो, तो कहता है हम जब बाथिंग टब में होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर होता है और हमारे पास वाटर में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इम्प्योर वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है,
अब हम अगर किसी करंट वाली चीज़ को टच करते हैं तो हमारी बॉडी क्या बन जाती है, कंडक्टर बन जाती है। और जब हमारी बॉडी कंडक्टर बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो वी विल फील द शॉक। ठीक है बच्चों, क्लियर?